चिरंजीवी के गॉडफादर का पहला टीजर आ गया है और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। टीजर में दिखाया गया है कि गॉडफादर एक महान व्यक्ति है और कोई भी उनके स्वैगर को इग्नोर नहीं कर सकता है। टीजर की शुरुआत एक बैकग्राउंड से होती है जहां गॉडफादर के ठिकाने का पता 20 साल तक नहीं चला, लेकिन वह 6 साल पहले वापस आ गया है। टीजर में देख रहा है कि नयनतारा किसी की जिक्र कर रही है और कहती है, चाहे कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। इसके बाद होती है चिरंजीवी की एंट्री, जिन्हें देखकर जनता खुशी से झूम उठती है। चिरंजीवी के जबरदस्त एक्शंस के बीच होती है सलमान खान की धांसू एंट्री, जो गुंडों से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजनेता उसे मरवाना चाहते हैं और पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डॉन को दुनिया के सबसे बड़े भाई सलमान खान का समर्थन प्राप्त है। ये मलयालम फिल्म लूसिफर की ये रीमेक है। चिरंजीवी मोहनलाल की भूमिका में है। सलमान गॉडफादर में पृथ्वीराज सुकुमारन की भूमिका निभाते नजर आएंगे और नयनतारा मंजू वार्य की भूमिका में है। मोहन राजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है। सलमान गॉडफादर के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। यह 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आमिर खान ने पूछा कि चिरंजीवी ने उनकी फिल्म गॉडफादर में एक भूमिका के लिए उनसे संपर्क क्यों नहीं किया और इसके बजाय सलमान खान के साथ गए। चिरंजीवी ने हंसते हुए कहा, इस किरदार को दिल और दिमाग वाले किसी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनकी शारीरिकता के लिए किसी की जरूरत थी और इसलिए हम सलमान के साथ गए। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे कंटेंट हमेशा बनाते